बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ मुर्गी के पंजे साफ़ करने का तरीका बताएंगे, किस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। इसको पकाने का तरीका चने डाल के हमने पहले शेयर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पकाने का तरीका भी देख सकते हैं। तो साफ़ करना जो है आज हम आपको बताएँगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें, इस तरह के ये साफ़ करने के बाद हो जाएंगे। फिर आप इससे यखनी बना सकते हैं, इसका सालन भी पका सकते हैं। मुर्गी के पंजों को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसके आगे जो नाखून होते हैं उनको आप काट दें। ये देखें, इस तरह से उनके नाखून काट दें। इसकी यखनी बनाएं, यखनी बना के इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब बर्तन में पानी डालें, जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें पंजे डाल देने और फिर ढक्कन देकर चूल्हे से नीचे उतार लेना और एक मिनट आपने इसको ढक्कन दे के रखना है। ये देखें, जैसे पानी में उबाल आया तो फ़ौरन इसमें पंजे डालें। पंजे डालने के बाद इसको ढकना दे दें ऊपर से। फिर इनको पानी से बाहर निकाल लेना है। पानी से बाहर निकाल के कपड़े की मदद से, गरम गरम जब हों आप कपड़े की मदद से ऐसे इसको खींचते जाना है तो ऊपर से ये इसकी झिल्ली जो है वो जल्द इसकी उतरती जाएगी और ये साफ़ हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से आपने ये ऊपर से इसको उतार लेना है कपड़े की मदद से। बहुत आसानी के साथ ये साफ़ हो जाते हैं। एक एक करके सारे पंजे जो हैं आप इस तरह कपड़े की मदद से इनके ऊपर वाले जेल तो उतार दें। पानी जब उबल जाए तो उसके अंदर आपने पंजे जो हैं वो डाल देने हैं और उसके बाद उसको एक मिनट के लिए पकाना है बस। और उसके बाद फ़ौरन इसको पानी से निकाल लें और गरम गरम को ही आप इस तरह कपड़े की मदद से इसके ऊपर वाली जिल्द उतारते जाएं। आसानी के साथ ये उतर जाती है और उसके बाद इसका सालन बनाएं, इसकी यखनी बनाएं। तो इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें सानिया अता फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।